Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss what should be the time management scheme for the student of Punjab University Chandigarh. अगर आपके examination चल रही है, जैसे आपको पता है semester आपके examination चल रहे हैं, आपकी क्या scheme होनी चाहिए time management से related. जैसे कि आपका 3 hours का paper होता है, जो आपका theory paper होता है, उसमें आपके 2 marks के questions भी आते हैं और 18 marks के क्वेश्चन भी आते हैं. और जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देखो ये आप यूसोल वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी के, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम सबका सेम होता है, टाइम सबको यूटिलाइज करना है अपने एग्ज़ाम के अंदर और सबको अच्छे मार्क्स लेने हैं. देखो ये एक ना होता मित होता है कि ये थ्योरी एग्ज़ाम है हमारे को, उसमें ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते. पर अगर आप 2018 का, 17 का, 16 का रिजल्ट उठा के देखो, तो यहाँ बैचलर आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे कुछ हो, उसमें सबको 95+ मार्क्स मिलते हैं. दे स्कोर मोर देन 95+ मार्क्स. अब देख सकते हैं हम आगे. उसके बाद देखो क्या है कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है अपना एग्ज़ाम. जो देखो 2 marks वाले क्वेश्चंस हैं, उसके अंदर आपने अगर टू दी पॉइंट आपसे पूछा गया है, तो आपने वही चीज़ लिखनी है. जैसे हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ एरिस्टोटल, ये 1 word क्वेश्चंस हैं. अगर आप इसे 400 lines में लिखो, 200 lines में, 100 lines में लिखो, आपको मिलने ही 2 number है. आपने सीधे लिखा एरिस्टोटल फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अगस्त कोम फादर ऑफ सोशोलॉजी, बस दैट सेट. आपको यहाँ 2 marks मिल जाएंगे. अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछ लेते हैं 2 marks के अंदर कि डिफाइन करो पॉलिटिक्स क्या है, डिफाइन करो द टर्म ह्यूमन सोसाइटी, हाउ ह्यूमन सोसाइटी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सोसाइटी, अगर ये 2 marks में आपके आ जाते हैं, तो आपको मिनिमम इसमें 1 और मैक्स टू मैक्स आपको 2 या 3 lines आपने यूटिलाइज करनी. इससे ज़्यादा 2 marks में 2-3 lines से ज़्यादा अगर आप लिखोगे, तो आप क्या हो जाओगे उसके अंदर, यू फेस आगे आपको शीट्स कम पड़ सकती हैं. दूसरी बात क्या है, आप 18 marks वाले क्वेश्चन को ढंग से अटैम्प्ट नहीं करोगे. 2 marks वाले में आपको मिलने वही 2 number ही हैं. तो आपको 2 marks वाले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 sheets आपको यूज़ होनी चाहिए. आपके 9 questions अगर 2 9s 18, और 2 से 3 lines में आपका हर क्वेश्चन ख़त्म हो जाना चाहिए, चाहे वो डेफिनेशन या डिफ्रेंशिएट ही क्यों ना हो. अगर आपको वहाँ पैरावाइज आपको नहीं लिखना है. सेकेंडली बात आई 18 marks वाले क्वेश्चंस की. 18 marks वाले क्वेश्चन में आप किस तरीके से लिखोगे, 18 marks के जितने भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, 4 questions हैं, यहाँ आपके 72 बन जाते हैं. तो कैसे आपने करना है, सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, जो मेन आपसे क्वेश्चन में पूछा है मेन पॉइंट्स आपके वो होने चाहिए. उसके बाद आपका छोटा सा कंक्लूजन होना चाहिए. मेन पॉइंट्स आपके मिनिमम 16 या 17 होने चाहिए. जैसे अगर आपसे करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए, वो आपके क्वेश्चंस की डिमांड पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, पर आपको 18 marks वाले में मिनिमम 5 to 6 sheets आपको फिल करनी ही करनी है हर क्वेश्चन के अंदर. अगर आपने इसमें टॉपर वाले मार्क्स गेन करने हैं, तो आपको कितनी शीट्स फिल करनी है, 5 to 6 sheets आपने फिल करनी ही करनी है. उसके बाद देखो क्या हो जाता है, यह आपका हो चुका है. देखो जैसे हमने डिस्कस करा, 18 marks वाले में आपको मिनिमम 5 to 6 sheets जो हैं वो फिल करनी होती है. 2 marks वाले में आपको 2-3 lines में अपना आंसर देना होता है. तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया. देखो उसके बाद हम मेन बात आती है टाइम की. 2 marks वाले में आपको आधे घंटे से ज़्यादा, 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है. ये मैक्सिमम लिमिट बता रही हूँ मैं, आधा घंटा. अगर आप 20 मिनट में कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है. उसके जो 18 marks वाले क्वेश्चंस हैं, आपने उसके अंदर 35 मिनट्स के स्कीम में एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है. 35 मिनट्स देने आपको, ताकि आपके क्या 180 मिनट्स होते हैं आपके पास. 3 hours इज इक्वल टू 180 मिनट्स. तो आपने 2 marks जो वाले होंगे क्वेश्चंस होंगे, उसमें 20 to 30 मिनट्स दे दिए, ठीक है. और उसके बाद आपके 150 मिनट्स बच गए. तो आपने इन 150 मिनट्स को कैसे यूटिलाइज करना है, जिसमें आप रिवीजन के लिए टाइम रखोगे 5 to 10 मिनट्स, और आपने 35 या फिर 25 मिनट में एक यूनिट अपनी कंप्लीट कर देनी है. 35 या 30 मिनट्स में आपने एक यूनिट अपनी कंप्लीट कर देनी है, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले. होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको कोई भी डाउट होता है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना. इट्स गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक सब मोर सच वीडियोस. अगर आप चैनल पे न्यू हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.